हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ नरसिंह गान के ऑफिशियल चैनल पर। तो बहुत दिनों के बाद हम आपसे कैमरे के माध्यम से दिख रहे हैं। सबको वेलकम है, सबको हैप्पी दीपावली। और मैं ये गुजारिश करता हूँ गॉड से, ईश्वर से, कि जो लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं GNM का, ANM का, कोई भी कोर्स के तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग में, तो मैं उनके उज्ज्वल भविष्य का इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप लोग के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग का जीवन बहुत बहुत उज्ज्वल हो। चूँकि जानते हैं दीपावली एक ज्योति का त्यौहार है, एक उमंग का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। इसी प्रकार से आप लोग का भी जीवन में नए प्रकाश आए, नए उजाला आए। इसी के साथ मैं आज के वीडियो शुरू कर रहा हूँ। हैप्पी दीपावली सबको। चलिए शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। वीडियो क्या है आपके सामने में है, देख सकते हैं आपके सामने में यह वीडियो पड़ा है। आपके सामने में कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि यहां पे दो सेशन आप लोग देख रहे हैं। एक सेशन आपके सामने में है 19 से 22, जो 2019 में एडमिशन लिए हैं उनका 2022 में थर्ड ईयर यानी क्लियर होना चाहिए, समझ गए। और एक सेशन है 2020 से 2023, 22 बीत चुका है, 23 भी बीतने वाला है। और यहाँ पे दोनों सेशन के लिए हम बात करेंगे कि चूँकि वैकेंसी आप लोग को आने वाली है, समझ गए। वैकेंसी 2024 में आपको मार्च अप्रैल तक या मार्च फरवरी तक आने की उम्मीद है वैकेंसी। इन दोनों सेशनों का जो है, कहीं भी किसी भी स्टेट में एडमिशन लिए हैं तो उनको बिहार में वैकेंसी जो 2000 हाल फिलहाल में आने वाली है, यह वैकेंसी इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे यह वैकेंसी को या नहीं कर पाएंगे, खासकर ये दोनों सेशन वाले को, तो मैं क्लियर कर दूंगा आज के इस वीडियो में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों सेशन में, अगर हैं दोनों में से किसी सेशन में, तो आपके लिए कितना चांस है कि आप इस वैकेंसी जो अभी आने वाली है नर्सेज की, उसमें आप अटेम्प्ट भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आज के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, जो भी है, बिहार है, यूपी है, किसी भी स्टेट से आप GNM कर रहे हैं, बिहार में फॉर्म आती है तो आप भी जो है डाल सकते हैं। किसी भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रजिस्ट्रेशन बिहार की होनी चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। बाकी समझिए कि जो लोग बिहार के हैं और बाहर बाहर स्टेट से कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, तो बिहार का भी सिचुएशन कोई ठीक नहीं है, तो इन सेशन और इन सेशन वाले का क्या हाल होने वाला है, क्या ये वैकेंसी अटेम्प्ट हो पाएगा उनसे या नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं वैकेंसी 2000 पहले जो है, जो अस्थाई नियुक्ति जो आप लोग का आया था वह 2019 में आया था। कब आया था? 2019 में। इस हिसाब से देखा जाए तो 2019 में आया, 2021 में फाइनल किया था, उस समय कोविड भी था, मेरिट लिस्ट पर बहाली आया था, लेकिन बहाली का लगभग 5 साल होने को है और आपका बहाली अब एक उम्मीद बनता है कि बिहार में एक और अस्थाई नियुक्ति आ सकता है, समझ गए। और चुनाव भी है, तो चुनाव के मद्देनज़र बिहार में अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टीचर के बहाली वगैरह हो भी रहा है और मंत्री लोगों से सुनने में आ भी रहा है। आपके सामने में है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि ए लोग का जिस भी स्टेट से मैं कंडीशन भी बता दूँगा कि आप लोग क्यों नहीं ए वाले अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, लेटेस्ट बात किया जाए 2019 से 22 वाले का, तो क्लियर तो 22 में ही हो जाना चाहिए हर एक स्टेट में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक आध स्टेट को छोड़ दें तो बाकी स्टेट में साल भर लेट चलता है, समझ गए। क्लियर होने में साल भर लेट चलता है, तो 2022 में क्लियर हो जाना चाहिए, तो मान गए 2023 में जो है आपका साल भर लेट होकर 2023 में क्लियर हो जाता, कहानी ख़त्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जैसे आपका बिहार हो गया, ठीक है, MP हो गया, ओके ना, राजस्थान हो गया, इन लोगों में अभी ये जो है आपको क्लियर भी नहीं होगा, समझ गए। 2023 में भी जो है क्लियर नहीं होगा। अब क्लियर कब होता है मैं बता देता हूँ, क्लियर तभी माना जाएगा जब आप अपने जिस भी स्टेट में हैं वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तभी आप क्लियर मानते हैं। पास हो जाने से क्लियर नहीं होता है, उसके बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। और अगर बिहार में भरना चाहते हैं तो बिहार में ट्रांसफ़र लाना पड़ेगा, तो उसको करते करते 2023 आपका पार हो जाएगा। बहुत स्टेट में तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं, समझ गए ना,
एस सेशन वाले का, तो अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट, सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो इसका तो बात छोड़िए। 19 से 22 वाले का पेच जो है फंसा हुआ है, समझ गए ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 19 से 22 वाले का पेच फंसा हुआ है, तो ये 19 से 22 वाले का 23 में जो होना चाहिए वो नहीं होकर 24 में, मार्च अप्रैल में जो भी हो, इनका रजिस्ट्रेशन मार्च अप्रैल तक आएगा, समझ गए, मार्च अप्रैल तक आएगा रजिस्ट्रेशन, फिर उनके बाद अपने स्टेट में लाना पड़ेगा, तो उसमें भी 1.5 महीना लगेगा, तो इनका चांस 10% है कि ये वाला वैकेंसी पकड़ा सकता है, समझ गए, मात्र 10% उम्मीद है कि ये वाला का वैकेंसी, 10% ही उम्मीद है कि इन जो सेशन वाले हैं 19 से 22 में जो एडमिशन लिए थे उनको जो है वैकेंसी पकड़ा पाएगा, मात्र 10% संभावना है कि इनको अगर 2024 में बहाली आता है तो इनको से अटैम्प्ट हो पाएगा, बाकी 90% नहीं लगता है कि इनका जो है बहाली अटैम्प्ट हो पाएगा, अंत में कुछ ना कुछ रीजन से छूट जाएगा, ये चीज़ें हो गया, ये हो गया। अब रही बात 2020 से 23, अब आपको पता है 20 से 23 वाले का बिहार में अभी रिजल्ट आया है, फिर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसी प्रकार से बात किया जाए थर्ड ईयर का अभी एग्ज़ाम ही होगा फरवरी मार्च तक बिहार में, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर इसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर भी सितंबर अक्टूबर इसमें लग ही जाना है 2020 से 23 वाले के क्लियर करते करते 2024 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर हो ही जाएगा। रही बात एमपी की, तो एमपी में भी कुछ ऐसा ही माजरा है, वहाँ पे तो रिजल्ट भी नहीं आया, बिहार में तो रिजल्ट दे दिया है, वहाँ पे सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी नहीं दिया है, तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम का तो बात ही छोड़िए। अब एग्ज़ाम मान गए मार्च अप्रैल में होगा, रिजल्ट 2-3 महीना के बाद देगा, करते धरते 2024 अंत चला जाएगा एमपी में, समझ गए, तो इनको भी ये वैकेंसी नहीं पकड़ाएगा, बिहार वाले भी जो है 20 से 23 में उनको भी नहीं पकड़ाएगा, राजस्थान वाले भी बिहार में डालते हैं फॉर्म उनको भी नहीं पकड़ा पाएगा, चूँकि 2024 के सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा और हम लोग जानते हैं कि वैकेंसी आपका उससे पहले ही आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेज है कि आपके मार्च अप्रैल फरवरी मार्च तक वैकेंसी जो है आ जाए या उससे पहले ही आ जाए, लेकिन इन लोगों को भी चांस न के बराबर है, 10% चांस है कि हो सकता है डाला जाए, खासकर यूपी वाले को तो हो जाएगा, 19 से 22 जो सेशन है यूपी वाले का तो हो जाएगा, यूपी वाले में नो डाउट कि उनका जो है रिजल्ट आने के साथ फॉर्म भराने के साथ ही थर्ड ईयर में जो रहते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन का भी फी ले लिया जाता है, यानी रिजल्ट आया और रजिस्ट्रेशन भी उनको मिल जाता है डॉक्यूमेंट के साथ में, तो यूपी वाले जो 19 से 22 में होंगे वो तो बिहार वाले फॉर्म को अटैम्प्ट कर पाएंगे, कर लेंगे, समझ गए, लेकिन क्रिटेरिया ये होता है वहाँ पे बताता है कि फलाने समय से पहले का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्रिटेरिया दे देता है जब फॉर्म भराएगा ना, तो वहाँ पे लिख देता है कि इन इतने समय से पहले का पास आउट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पास आउट हुए और फॉर्म डाल दिए, ऐसा भी नहीं होता, तो उसी चक्कर में 2019 से 22 वाला तो 100% मान लीजिए नहीं फॉर्म भराएगा और इनका तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इस हिसाब से इन दोनों सेशन का अभी कोई संभावना नहीं बनता है न्यू वैकेंसी के अटैम्प्ट होने का, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं, सिंपल बातें हैं, जब देखिएगा फॉर्म का आता है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो इतने दिन पहले के पास आउट होनी चाहिए, नज़दीक का नहीं लेता है, तो एक बात समझ लीजिए, और कम से कम 4-5-6 महीना पहले का तो रखता ही रखता है, तो उससे समझ लीजिए कि आप पास हुए फॉर्म भर दिए नहीं होगा, तो ये वैकेंसी सब लोग का छूट जाएगा, और जब ये वैकेंसी छूट जाएगा तो समझ लीजिए फिर से आपके पास 3-4 सालों के बाद ही मौका मिलेगा वैकेंसी को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि यही वैकेंसी अगर आएगी तो लगभग 1-1.5 साल यही वैकेंसी चलेगा, फिर उसके बाद ही वैकेंसी का उम्मीद कीजिएगा, खासकर अस्थाई वाला, समझ गए, तो उम्मीद है समझ गए होंगे, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई अगर और डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, समझ गए, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।